अब ये समय आ गया है कि हम जाके नेताओं को ये बताएं कि लॉन्ग रन में यही आपके हित में है और शॉर्ट रन बहुत ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, ये हर किसी को समझना होगा, तभी सही मायने में पुलिस रिफॉर्म संभव है। किसी ने मुझसे ये भी कहा कि आप सेवा में हैं, आपको नहीं लगता है कि आप कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहा हूं, मेरा ये पद ही कर्तव्य है कि मैं पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात करूं। आपको जान के ताज्जुब होगा बेटे कि अभी हमारे 12 जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के हिस्सा है। जो आप बात कह रही थी कि अब हम उसका जवाब पे आते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से कुछ पेरिफेरल आंसर चले गए हैं। नाउ आई विल कम टू द कोर आंसर, कैसे ये सिस्टम जो है 21 टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन और कन्विक्शन पे ले जाएगा, ये आपका मूल क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक ऐप जो है ना बन रहा है, और बल्कि देखा जाए तो एक कहना तो गलत होगा, ऐसे हजारों ये ऐप बन रहे हैं जो बिल्कुल एक ऐप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये ऐप एक डायनामिकली कंस्ट्रक्टेड ऐप होगा जिसको हम इच्छाधारी ऐप कह सकते हैं, मतलब वो आपको कहीं कोई बटन नहीं दबाना है, वो आपके FIR से कंटेंट से सब चीजें निकाल के आपको क्या करना चाहिए वो अपने आप के रूप को बदल देगा, और आपको जो है वो हर छोटी मोटी चीज को पकड़ेगा, वो जो आप शायद नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे वो भी उसे देख पाएगा, राइट? आगे चल के जो है हम स्टार्टअप के माध्यम से ड्रोन और रोबोटिक सर्विसेज का भी प्रोविजन कर रहे हैं। इसमें मेरी बहुत कॉन्शियस सोच है कि ये डिवाइसेस हम जो है पुलिस को नहीं देंगे, यदि हम ये डिवाइसेस पुलिस को देंगे तो वो स्टोर रूम की शोभा बन जाएंगे। तो वो डिवाइसेस स्टार्टअप के पास रहेंगे जो कम्पीट करेंगे, उनके जो है ना रेट्स तय होंगे कि साहब आपकी सर्विसेज का आपको क्या पैसा मिलेगा, और सिस्टम से जैसे ही क्राइम होगा उनके पास रिक्विजिशन चला जाएगा। तो यहाँ तो ऐप्स में खुद ही जो है ना सब चीज कैप्चरिंग करने की व्यवस्था होगी, बट ड्रोन और रोबोट से भी जो व्यवस्था होगी दैट विल बी एडिशनल, तो वो और उसको अच्छा ढंग से कर देगी। एंड देन जो है सीन को कलेक्ट करना, देन उसको प्रिजर्व करना, जो छोटे मोटे टेस्ट संभव हैं उनको वो रियल टाइम बेसिस में वहां करेगी। देन आपके इस क्राइम को चूंकि जैसे जितना डिटेल कैप्चर होता जा रहा है वो डिटेल जो है ना डाटाबेस में जा रहा है, जो कि हिस्टोरिक डाटा से क्या इन्फ्रेंस निकलना चाहिए उसके ऊपर बड़ी बड़ी एल्गोरिदम काम कर रही हैं, जो इस AI इंटेलिजेंस जो AI के माध्यम से वो जो है क्या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो रियल टाइम बेसिस में विवेचक को परोसी जा रही है। तो एक जहां पे उसको इविडेंस कलेक्शन में मदद की जा रही है, वहीं पे हिस्टोरिकल डाटा से जो खबर हो सकती है उसको निकाल के, जैसे हॉटस्पॉट्स, क्रिमिनल क्लस्टर, रूट्स यूज बाय द क्रिमिनल्स, एंड उस रूट्स पे जो और CCTVs लगे हैं और आगे चल के ढेर सारे और लगेंगे, जो हमारा, क्योंकि हम इसमें सरकारी पैसा खर्च करेंगे नहीं, तो आने वाले समय में इंडिया विल बिकम हब ऑफ द CCTVs एंड IoT डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और इससे इतना ज्यादा पैसा उनको मिलेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी समथिंग लाइक 3 मंथ टू 6 मंथ और एट द मोस्ट में बी 1 ईयर। तो जब 1 साल में जितना पैसा आप लगाएंगे वो वापस मिल जाएगा, तो फॉर देयर प्रॉफिट विजन एनर ऑफ द पीपल फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट, दे विल कम फॉरवर्ड टू पुट IoT डिवाइसेस, दे विल कम फॉरवर्ड टू पुट द CCTV डिवाइसेस, क्योंकि उसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे रहेगा, पुलिस विभाग कुछ परचेज नहीं करेगा। तो ये सिस्टम जो है ढेर सारी कैलकुलेशन करके IoT डिवाइसेस से और CCTV से भी एविडेंस कैप्चर करेगा, फिर उसको वैलिडेट करने के लिए वो पब्लिक के पास, IO के पास ले जाएगा, पब्लिक के पास ले जाएगा। आगे चल के हम इसमें लीगली एक्सेप्टेबल आइडेंटिफिकेशन पर्ड का प्रोविजन रखेंगे, राइट? अभी अभी हम हमारी वो क्षमता नहीं है, लेकिन हम वो क्षमता बहुत जल्दी 5-6 महीने में डेवलप कर लेंगे। तो हम जी। लीगली एक्सेप्टेबल जो है आइडेंटिफिकेशन परेड में जाएंगे, जिसमें रिमोटली मजिस्ट्रेट का पार्टिसिपेशन होगा, इसमें कहीं ट्रांसफर ऑफ पावर कहीं नहीं है, वी विल यूज द मजिस्ट्रेट फॉर दैट पर्पज एंड दे विल बी प्लेइंग देयर रोल इन आइडेंटिफिकेशन। तो हम आइडेंटिफिकेशन जैसी चीजों को वो यूज करेंगे। देन जो है 91 CRPC के तहत
क्या रिक्विजिशन करना है ये हम आईओ को बताएंगे। आईओ का काम सिर्फ सिग्नेचर करना होगा, वो जो है जहां कहीं भी होगा उसको जो है उसको रिक्विजिशन करके रियल टाइम बेसिस पे और प्रोसेस करेगा कि उसके इन्फ्रेंसेस मिल जाए। इसमें जो डाटा है वो उस डाटा को हम पुलिस को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस के बहुत सारे डाटा जो है वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, स्पेशली जहां पुलिस और क्रिमिनल का पार्टनरशिप है, जो कि हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं तो वहां पर ये बड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यदि पुलिस के पास पहुंचेगी तो पुलिस कई बार इस डर से कि मैं ना फंस जाऊं वो पूरी इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल से शेयर करता है या सेकी बगाड़ने के लिए पत्रकारों से शेयर करता है। तो दोनों ही जो है ना नेट रिजल्ट तो ये है कि आपका जो है नट एंड बोल्ट्स आर बीइंग एक्सपोज्ड। कहते हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि नोबडी शुड प्ले विद द जो है ना टूल्स, और हालांकि उन्होंने जो है दैट ही टोल्ड इन टर्म्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी से आप छेड़खानी मत करिए, इट इज स्टील फ्रॉम, डोंट प्ले विद इट। अब हम उसी बात को जो कह रहे हैं कि हम इविडेंस और टेक्निकल टूल्स और उनकी बात कर रहे हैं। आज एक पत्रकार पूछता है कि आपने सीडीआर लिया कि नहीं लिया, पीएसटीएन डाटा लिया कि नहीं लिया, व्हाई वी आर डिस्क्लोजिंग डिस्कसिंग दीज थिंग्स। हम उसको जर्नलिस्ट लेके बताना चले जाते हैं कि साहब यहाँ गया वहां गया, क्यों बताना। सो मेरे ख्याल से जो है ना हम जस्ट सेकी बगाड़ने के लिए बहुत अहित कर रहे हैं। अब ये सेकी बगाड़ने का समय खत्म हो गया है, आप सुपरविजन करके सच में कंट्रीब्यूट करो जो नहीं कर रहे हो। सेकी वेकी लेने के चक्कर में ठीक नहीं रहे, 10 बोतल पकड़ी जो कि थानेदार ने जो है ना उससे कहा कॉन्ट्रेक्टर से कि सर मुझे ऑपरेशन करना है 10 बोतल भिजवा दो, और उसको पकड़ के फिर एक सपरा आए कि आदरणीय जो है ना पुलिस अधीक्षक, माननीय एडिशनल एसपी, माननीय सीएसपी के नेतृत्व में जो है एक दबिश दी गई जिसमें 10 बोतल पकड़ी गई है। ये कोई नहीं कहता है कि 10 बोतल लाने के लिए कहा गया, उसने 10 बोतल पेश कर दी है, और जो जितना ज्यादा बदमाश होता है वो उतने ज्यादा ऐसे केसेस बना देता है कि उसके लिए बड़ा आसान होता है। आपने कहा कि आप चाकू और आर्म्स लेंस की बहुत बात करिए, तो उसने क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोगों को लिया और धर दिया। आई एम सेइंग इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। यदि कोई आप जो है बेकसूर व्यक्ति को सिर्फ आंकड़े को दिखाने के लिए यदि आप उसे बंद करते हैं तो उसे जो है ना उससे बाहर निकलने के लिए वकील की फीस देना होगी, ढेर सारे काम करना होगा, तो बेचारा यदि वो क्राइम नहीं भी कर रहा होगा तो ही विल कमिट क्राइम, क्योंकि ही हैज टू कोप अप विद द फाइनेंशियल बर्डन वी आर प्लेसिंग ऑन हिम। नाउ इतनी चीजों को तो समझना पड़ेगा, व्हाई वी आर डूइंग द थिंग्स जस्ट लाइक मैकेनिकली, लेट्स डू द थिंग्स स्मार्टली। हमारा सिस्टम जो है क्रिमिनल्स को ग्रेड करेगा, किस क्रिमिनल के खिलाफ जो है ना पकड़ना ठीक नहीं रहेगा तो उसको स्पेशल ऑपरेशन के तहत पकड़ा जाना है, उनको स्पेशल ऑपरेशन पर पकड़ेगा। हमारा सिस्टम को मालूम है कि हर कुत्ता जो है ना हर क्रिमिनल कुत्ता है, और हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, तो हमारे सिस्टम को अच्छे ढंग से मालूम है कि किसी भी कुत्ते को शेर की हैसियत से नहीं पकड़ना है। तो वो और चूंकि उसे मालूम है कि तुम कहाँ क्या करते हो तो वो अपनी मर्जी से आपको पकड़ लेगा। अब यदि अज्यूम करिए कि आप कभी कभी कुत्ते को शेर की हैसियत से इसलिए पकड़ना चाहते हैं जिससे पब्लिक में एक मैसेज जाए, तो फिर पुलिस जो है ना शेर की तैयारी से जाएगी। यदि जब वो शेर की तैयारी से जाएगी तो उसको जो है ना ऐसे ऐसे 8 हमारे जो है ना हमने इतने प्रोसीजर्स जो है ना अपने अधिकारियों को खो दिया है, ये अधिकारी नहीं खोएंगे, इट इज ए वेरी रॉन्ग मैसेज। और इसमें मैं तो माननीय अदालतों से भी कह रहा हूं कि अभी हम लोगों ने जो बहुत सारे वो किए हैं, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये एक पाप की कैटेगरी में है। यदि मुझे अभी भी याद है कि अरुण सूरी जी ने जो है ना एक आर्टिकल लिखा था जब उन्होंने कहा था कि वी आर कमिटिंग ए सिन, यदि यदि ऐसा सिन होगा तो पंजाब जो है ना कब अपने उससे हट जाएगा, ये आप नहीं समझ रहे हो। आप जिन सूरबीरों ने अपनी जान खतरे में रख के जो है ना उस समय जो ऑपरेशन किए हैं उनको जो है सब लोग मिलके और उनको जेल में बंद कर रहे हैं, ये कदापि ठीक नहीं है। वो जो है ना सब लोग कहाँ चले गए थे जब जो है ना चारों तरफ जो है ना आतंकवादियों का आतंक था, तब तो जो है ना सभी जो है ना ब्यूरोक्रेट, सभी जुडिशरी और सभी जजेज जो है ना दड़बे में घुसे हुए थे। जैसे ही जो है ना कंट्रोल कर लिया तो सब शेर बन गए। आपकी वो शेर वाली जो है ना वो कब कहाँ गई थी वो। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम जो है बदमाशों को बड़ा बनने के पहले वी कैन कट डैम, एंड हमारा सिस्टम जो है इतने महाबलियों को आइडेंटिफाई करेगा
और वो जिस जैसियत का हैसियत का होगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो हर दिन जो है ना एक महाबली को जो है ना निपटाएगा। यहाँ निपटाने को आप इनकाउंटर मत मानिए, आई से आई विल अरेस्ट देम, राइट? एंड चूंकि हमारे पास बहुत एविडेंस होंगे तो हम उसको सजा भी दिला पाएंगे, तो आप उसको डोंट, निपटाने को आप जो है ना इनकाउंटर मत मानिएगा, ठीक है ना? तो नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट स्पिरिट में ही ले रहे हैं, थोड़ा सा बस भाषा का अंतर है। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे आगे ये पूछना था कि आपका जो आपको, आपकी बात का जवाब पूरा हो गया है या मैं उसे और खोलूं, क्योंकि इसमें जो है वो जो है नहीं सर आगे चल के इसमें एक्सपर्ट ऐप बन रहा है, तो वो जो एक्सपर्ट जो है ना दे वुड बी इन पोजीशन टू गाइड इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली, और उनके जो स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस हैं दे आईओटी डिवाइसेस के तहत दे विल बी आल्सो इंटीग्रेटेड विद द ऐप, तो वो अपने उन स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस का भी यूज कर पाएंगे और हम वो एविडेंसेस को कैप्चर कर पाएंगे, और वो एविडेंस जो है ना जो कैप्चर करेंगे उनके साथ 3 सर्टिफिकेट भी हर एविडेंस के साथ जो है ना लग जाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 65B एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो यदि उसका जो डाटा है या डॉक्यूमेंट है यदि वो डिजिटली मूव हुआ है तो उसकी डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी को पेश किया जाएगा, और यदि कोई चीज फिजिकली मूव हुई है तो फिजिकल चेन ऑफ कस्टडी को भी मूव किया जाएगा। तो जहां टेक्नोलॉजी कहीं मैनिपुलेशन की क्षमता रखती भी है, उस नेगेटिव टेक्नोलॉजी को किसी भी मैनिपुलेशन का कोई स्कोप नहीं रहेगा, और हम कोर्ट को बहुत मदद करने वाले जितना हम कोर्ट को भी बहुत मदद करने वाले हैं, तो लिहाजा कन्विक्शन विल बी ए सर्टेनिटी।